अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर को उठाएं तो उसमें कितनी होप वाली बातें हैं, मोटिवेशन वाली बातें, जिंदगी जीने के वजूहात नजर आते हैं। तो अंग्रेजा की मिसाल दे रही है, जिन्होंने बिजली का बिल ही इन्ना नहीं आता पानी के मिसाइल ने रवे हाँ पाकिस्तान च अंग्रेज ते जिन्नियां टेंशन च असी हैं वो कट्टण। फिर मैं वेखा मोटिवेशनल और होप हमारे आसपास अक्सर एक ऐसा बंदा होता है जो ऐवी मनाडे बनी फिरता है, सैड होता है बेचारा। और जब भी बारिश हो रही होती है ना पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो लोग बाहर निकलते हैं, डांस करते हैं, लेकिन वो जो है ना गजलें लगा के चाय पी के सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ये क्यों? अच्छा सी ऐसी कौम है, बारिश की ट्रेजेडी सॉन्ग तो लाना ही है, नाल पकौड़े भी तल रहे होने। बट जितना महंगा हो गया ना घी, पकौड़े तलने से वैसे भी डिप्रेशन हो जाता है। वाकई ये तो। और एहो जी कुड़ी बहुत गल्लां च रोक के ना कहती मैं तो तले हुए बैंगन खाती हूँ। आज तो हमारी मेहमान आ रही है, उनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि वो कहीं से भी सैड नहीं लगती, बल्कि जब वो आती हैं खुशियों की लहरें लेके आती हैं, चाहे वो लंदन में हो, दुबई में हो या पाकिस्तान में हो। उनका काम, उनका नाम और उनकी रील्स बहुत ही ज्यादा हिट होती हैं। प्लीज आपके भरपूर ताली में वेलकम यशमा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, थैंक यू यार, इस तरह से तालियां बजाई मेरे लिए, इतना मजा आया। इस बात का थैंक यू आपने प्यारे प्यारे हमें कहा, बड़ी मेहरबानी। कोई आदि नहीं है ना इस चीज के। तो सब प्यारे भाई कहती हैं। तो भाई भी बंदों को कहते और दरख्त ऊपर आ गई। अच्छा बड़ा अच्छा जोड़ा आपने पहना, बड़ा मजेदार कलर है, क्या डिजाइनर कौन है भाई? निया मिया। एबीएम जी निया मिया। निया मिया निया मिया निया मिया पहले छोने काके ने निया मिया मिया। वैसे ये ज्यादती ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम्हें खुदा का खौफ करो। वैसे ये कहने वाली बात है क्यों? निया मिया देखो व्हाट्सएप की कह रही है, क्या कहती? यशमा दी अखां जड़ियां शोएब अख्तर नाल मिलदियां, दसो कह दुआ करे ऐसी बात ये टोटली मेड द रब बाय द वे आई नेवर सेड दैट। भाई देखिए शुएब साहब की बड़ी प्यारी और नशीली आंखें हैं, आपकी भी बड़ी प्यारी और नशीली आंखें हैं, और दोनों के ऊपर सूट करती है, लेकिन जो सूट नहीं करता वो इनके ऊपर ये सूट सूट नहीं करता। अरे यशवा ये कराची में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है गेम नाइट, रमजान के अंदर बड़ी गेम नाइट्स हो रही थी, क्या ये गेम नाइट? हर बंदा गेम नाइट पे पहुंचा होता है। आई थिंक वो होता है ना कि आप सहरी तक जाग रहे होते हो, इबादत भी करते हैं, काफी हमारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं नीचे कि आप लोग इबादत नहीं कर रहे होते, आप लोग गेम्स कर रहे होते हो। हम लोग वो भी करते हैं, बट देन साथ में थोड़ी सी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, टाइम ज्यादा होता है, शूट के कॉल टाइम से थोड़े से पुश हो जाते हैं, तो यू नो मुझे ट्राई टू मैनेज कि लोगों ने ठेका लिया हुआ है कि हर चीज को मॉनिटर करने का। अभी वही हम बात कर रहे थे ना कि लोगों को और कोई काम नहीं, खुश नहीं रहना, और अगर कोई खुश हो रहा होगा तो ठहर जाए। एडी तहसील मैं कहती हूँ कि अगर आपको हमारी गेम नाइट से इतना प्रॉब्लम है तो आप क्या इंस्टाग्राम पे बैठ के हमें मॉनिटर कर रहे हैं, आप भी जाके इबादत करें। वो भी गेम नाइट ही कर रहे होते हैं। बट यू बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्व्स, वो खुद इतने मिजरेबल हैं इसलिए वो मिजरेबल कमेंट्स देते हैं। पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं लेकिन कराची में आप रहती हैं और पढ़ने आप बाहर गई हैं, तो इतना ये जो कल्चरल डिफरेंस है इसने आपकी ग्रूमिंग के अंदर कोई इफेक्ट किया? आई थिंक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया डिड चेंज मी एज अ पर्सन, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टूडेंट लाइफ में गई थी तो बिल्कुल वो खाना भी खुद बनाना, कपड़े भी खुद इस्त्री करना, अकेले रहना जिंदगी में पहली दफा, तो वो चीजें नहीं, ये नहीं था मेरे लिए, ये एक्चुअली मैंने बड़ा एंजॉय किया। हाँ हाँ मैंने बहुत नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की, मुझे पता चला कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकती हूँ। Another thing that I discovered when I went there, जब मैं गई थी, I think 21, तो अब आप 31 हैं? Now I'm 31, yes. Yes, नहीं नहीं actually, yes. अरे वाओ बड़ी बात है, आप मुझसे भी 2 साल बड़ी हैं। लेकिन आप लगती भी नहीं, क्यों बता रही हैं आप? क्यों मतलब क्या गूगल पे वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ना आपकी तरह?
मेरी तरह मेरी पूछल निकल आंदी इत्थे बैठे। अच्छा जी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो साइकोलॉजी भी इन्होंने पढ़ी हुई है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो कितने सेलिब्रिटीज आपके मरीज हैं? अरे अल्लाह, मुझे लगता है सबसे बड़ी मरीज अपने आप की मैं खुद ही हूँ। मैंने साइकोलॉजी पढ़ भी इसलिए ली क्योंकि मैं पढ़ते हुए बोल रही होती थी, ओ माय गॉड यस, मुझे समझ आ गया मुझे क्या मसला है, अच्छा इसका इलाज है। मुझे इतना मजा आता था पढ़ते हुए, कहती थी हाँ यही है मेरा सब्जेक्ट जो है ना, यही मेरे मरहम का इलाज है। जी अगर थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आपको आती है तो इनकी भी थेरेपी कर दे। आपको इसके लिए तो आना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं इस तरह साइकिक तो नहीं हूं, शक करते वेला जी। अच्छा भाई, साइकोलॉजी ने कैसे आपको हेल्प किया टू बिकम अ बेटर एक्टर और अ बेटर पर्सन? इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा डेप्थ एज अ पर्सन आल्सो। तो जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे होते हो वो आप एक सर्टेन एज से कर रहे होते हो, आपको उसका कोई एज सच बैकग्राउंड नहीं पता होता, आपको उसका सिर्फ फ्यूचर पता होता है। तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू नो एज एन एक्टर मेरे अंदर आई थिंक अब वो एक काम कर करके भी, और मे बी शायद साइकोलॉजी की वजह से भी वो डेप्थ थी कि मैं थोड़ा सा खुद भी उसका एक समझ जाती हूँ कि अगर मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने डायरेक्टर से एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर इसका ये एंगर आ रहा है तो ये हर्ट ड्रिवन है या ये रिवेंज ड्रिवन है या ये कोई ट्रॉमा ड्रिवन है, तो फिर उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी के जो है ट्रेट्स हम लोग। अच्छा, दैट हेल्प्स, दैट हां हां। सो मैं उस तरह से थोड़ा खुद करती हूं। आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़े दिए जाते हैं? मैं वैसे काफी दफा जो है जानबूझ के भी चूज करती हूं। मुझे अक्सर अभी भी एक स्क्रिप्ट मेरे पास आई हुई जिसमें मेरे पास ऑप्शन है कि आप पॉजिटिव करना चाहें आप पॉजिटिव करें, आप नेगेटिव करना चाहें आप नेगेटिव करें। लेकिन आपने ठेका लिया हुआ? नहीं, ठेका नहीं लिया हुआ। आपने भी यू डन सो मेनी माशाल्लाह से गिवन अस सच सक्सेसफुल हिट्स, तो आपको भी आई थिंक जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको नहीं लगता कि काफी आजकल स्पेशली जो हमारे ड्रामास आ रहे हैं उनमें नेगेटिव कैरेक्टर्स ज्यादा स्टोरी को ड्राइव कर रहे होते हैं? हाँ, दे आर, और दे उनके आर। पास ज्यादा मार्जिन भी होते हैं और उनके बगैर कहानी नहीं चल सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आप कहते हो कि यार जिसके बगैर नहीं चल सकती वो करने में ज्यादा मजा भी आएगा। वैसे एक पावर होती है, ये बहुत करती है नेगेटिव कैरेक्टर, समोसे खा गई चटनी मेरे हस्ते चढ़ गई। वैसे एक ड्रामा चूज करने में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, डायरेक्टर होता है या राइटर? तीसरा ऑप्शन भी देना, डायरेक्टर राइटर या चेक चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैनल? चैनल कौन सा? उसका रीजन ये है कि हर चैनल की अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट है, लेकिन व्यूअरशिप्स होती हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो एक कैरेक्टर को बिल्ड करने में, एक प्रोजेक्ट पे आप अपने 3-4 महीने देते हो, 6 महीने देते हो, कभी कभी 9 देते हो, जिसकी वजह से आपने और बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे होते हो, तो फिर आपको होता है कि यार वो नजर भी आए। आप ये नहीं देखती कि मेरे सामने हीरो कौन हो, फिर उसके बाद ये देखती हूँ। ओके, और अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अपने अगले ड्रामे का कौन सा हीरो आप सिलेक्ट करना चाहेंगी, कौन सा नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? I would say Bilal Abbas because he, मैंने हालांकि उनके साथ किया हुआ है दो। आपने किया? I think मेरे ख्याल है प्यार के साथ। प्यार के सदके किया था, कुर्बान किया था। But the reason why I'm taking his name is because मैंने अपने काफी interviews में बताया भी है कि वो cues भी ऐसे देते हैं जैसे वो अपना solo दे रहे हो। तो acting is all about reacting। क्या बात है? तो वो मुझे